Amazon Prime पर हाल ही में रिलीज हुए मिर्जापुर वेब सीरीज के दूसरे पार्ट को लोगों ने भले ही खूब पसंद किया हो, लेकिन स्थानीय लोगों को यह सीरीज रास नहीं आ रही है। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल के विरोध जताने के बाद अब जिले के युवाओं ने भी वेब सीरीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवाओं ने इसे जिले की छवि को बदनाम करने की साजिश बताया है और कहा है कि असली मिर्जापुर वेब सीरीज के नकली मिर्जापुर से काफी अलग है। रियल ब्यूटी ऑफ व्यू से और जो हमारे मूवी में है उसका दूर दूर तक मुझे तो लगता है कहीं कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका पॉजिटिव वे दिखाया ही नहीं है। पूरा जितना भी है उसका एक नकारात्मक व्यू ही दिखाया गया है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि मिर्जापुर के सीरीज के ऊपर ना कोई जज करे। आई विल बेग एवरीवन टू प्लीज कम एंड विजिट दिस मिर्जापुर एंड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिटी। जिले की दो युवतियों ने इस बारे में आम लोगों की राय जानने के लिए गंगा के किनारे एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने क्या है मिर्जापुर और कैसा है मिर्जापुर का नजारा विषय पर अपनी राय रखी। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पेज पेंसिल देकर उनसे जिले के बारे में लिखने या कला बनाने को कहा गया था। कार्यक्रम का आयोजन शिखा मिश्रा और पूर्णिया नाम की लड़कियों ने किया था। उन्होंने कहा कि जो मिर्जापुर सीरीज में दिखाया गया है ऐसा हमारा मिर्जापुर नहीं है। मिर्जापुर क्या है यही बताने के लिए हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि उनको मिर्जापुर में क्या अच्छा क्या बुरा है, फिर क्या वो बदलाव चाहते हैं, और वो देख के आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली मिर्जापुर वाले मिर्जापुर के बारे में क्या सोचते हैं। सीरीज की जहाँ तक से बात है उससे बिल्कुल मिर्जापुर की छवि बहुत खराब हुई है बाहर के शहरों पे, और इस कार्यक्रम से उनको पता चलेगा कि मिर्जापुर में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मिर्जापुर के लोगों के द्वारा कही गई है, और सीरीज में मिर्जापुर के लोग नहीं है। वहीं कार्यक्रम में शामिल युवा शरद ने कहा कि जो भी फिल्में बनती हैं वह किसी भी जिले की अक्सर सही तस्वीर पेश नहीं करती हैं। नकली मिर्जापुर की तुलना में असली मिर्जापुर बहुत अलग है। यहां पर इस तरह गन और गोलीबारी नहीं होती। मिर्जापुर के बारे में देखिए, उसमें दिखाया गया है कि बंदूक या जो कुछ भी है उनकी बहुत भारी मात्रा में बिक्री की जाती है, वैसा तो मिर्जापुर के बारे में नहीं है। इससे भले ही उसमें दिखाया गया जो नहीं हुआ है, जो मिर्जापुर में नहीं भी है, वो बल्कि और बढ़ रहा है, वायलेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे एक तरह से लोग जो लोग नहीं जानते मिर्जापुर के बारे में वो इसके बारे में जानेंगे, और आजकल जो हत्याएं लूट ये सब हो रहा है बल्कि उससे लोगों का मन बढ़ रहा है देख करके। जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक तरह से गलत दिखाया जा रहा है उस मिर्जापुर में। युवाओं का कहना है कि गन और गोलीबारी से इतर क्षेत्र की जो असल समस्या शिक्षा और नौकरी को लेकर है उसकी बात की जानी चाहिए। इससे पहले जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर वेब सीरीज के कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया था कि सीरीज के माध्यम से जिले को देश विदेश में बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इस सीरीज की सूचना प्रसारण मंत्रालय से जाँच और कार्रवाई करने की मांग की थी।